हेलो फ्रेंड, कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो अच्छा खासा स्पीड में और आपकी जो ब्रेक है वो फेल हो गई है और आपको इस बात का पता चल गया कि आपने ब्रेक पैंडल जब प्रेस किए हो तो जो है आपका ब्रेक नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड, आप बहुत टेंशन में हो जाते हो और इस वक्त आपसे शायद गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाते हो, खुद को सेफ नहीं रख पाते हो या फिर आप दूसरे का मौत के कारण भी बन जाते हो। तो इस सब बचने के लिए फ्रेंड आप क्या चीज करो, मतलब आपको सही तरीका भी कुछ मालूम होता है लेकिन आप उस तरीका को यूज नहीं कर पाते हो। तो यूज कैसे कर पाओगे फ्रेंड्स? ओके, तो सिंपल जो है, जैसे कि रिया, जब भी आपका ब्रेक फेल हो जाए तो फर्स्ट पॉइंट ये करना है कि आपका हॉर्न कंटिन्यू इस तरह से ओके बजाए रखना है और डबल इंडिकेटर का जो स्विच होता है ओके वो आपको जो है जला लेना है। पहला पॉइंट जो कि आपको हॉर्न कंटिन्यू बजाए रखना है ऐसे कंटिन्यू, और डबल इंडिकेटर का ऊपर में जो स्टीयरिंग के पास होता है या फिर एसी के पास स्विच होता है लोगों के गाड़ियों में, तो वो आपको जला लेना है ओके। इमरजेंसी लाइट भी उसको बोला जाता है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आराम से आपको लेफ्ट की ओर, ये नहीं कि इधर से चढ़ के, लेफ्ट की ओर एकदम चलना है। और आपको देखो ब्रेक तो गया लेकिन ब्रेक का पैंडल आप दबाते रहो, ये बेस्ट तरीका है फ्रेंड आपके। हो सकता है ब्रेक कभी कभी ऐसा नहीं होता, नहीं लगता है, और कभी कभी लग जाए ब्रेक का पैंडल, आपको प्रेस करते रहना 1-2 1-2 ओके। नहीं होगा कोई बात नहीं जी। उसके बाद आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक आप यूज़ करोगे, एकदम से हैंड ब्रेक नहीं मारोगे ओके, एकदम से नहीं। आपको थोड़ा सा पहले 50% हैंड ब्रेक लगाना है, फिर थोड़ा थोड़ा गाड़ी स्लो होगी। उसके बाद अब मतलब ज़्यादा स्पीड में रहेंगे तो आप फोर्थ गियर या फिफ्थ गियर में रहेंगे ना, तो आपको क्या करना है, क्लच यूज़ करना है। फोर्थ में थर्ड कर लिए फिर क्लच छोड़े, आराम से थोड़ा सा घटेगा स्पीड। ऑसिलेटर बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना है उस टाइम जब आपका ब्रेक फेल हो जाए। उसके बाद जो आपको थर्ड किए फिर क्लच लिए फिर सेकेंड कर लिए ओके, इस तरह से फिर क्लच लिए, मतलब वन तो करना। और एक टाइम और क्या करना है, आपको गाड़ी थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा भगाना है, इस तरह से घुमा घुमा करके भगाना। इस तरह से क्या होता है फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका जो ऐसे ऐसे चलेगा ना सब गाड़ी ऐसे ऐसे, तो इससे आपका गाड़ी का जो स्पीड है वो कमेगा, क्योंकि आपको तो इससे मतलब है ना कि हमारा गाड़ी जो है सेफ तरीका से कैसे जो है रुक जाए, इससे मतलब है जी हाँ। तो उसी तरीका से आपका रुक सकता है फ्रेंड, आपको टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी जो है चलाना होगा ओके। और थर्ड बात ये है कि रोड के साइड में अगर घास है, थोड़ा थोड़ा झाड़ियाँ है, तो उस पर आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी जो है जल्दी मतलब जो है गाड़ी स्लो होगी, स्पीड तो है थोड़ा 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 कम होगा। तो फ्रेंड जब भी ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ आए तो आप सिंपल जो है गियर कम कीजिए सिस्टमेटिक से, ये नहीं कि फिफ्थ में चल रहे डायरेक्ट फर्स्ट कर दिए, गाड़ी चकमा खा के कई पलटनिया लेगी ये नहीं मालूम मेरे को ओके। तो ऐसा नहीं करना है, हम ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग ओके एक एक करके 1x1 करके आपको डाउन करना है। हैंड ब्रेक हाफ यूज़ करके लास्ट में आप फुल यूज़ कर सकते हो ओके, नो प्रॉब्लम। और ये सब हॉर्न इंडिकेटर जलाए रखना, क्योंकि फ्रेंड्स आपका ये गाड़ी से काफ़ी गुना आपका ज़िंदगी है कॉस्टली ओके। तो ऐसा ही सेफ रहे, आप लोग सुरक्षित रहे और भगवान करे, भगवान से प्रेयर है कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। अगर फिर भी हो लेकिन ऐसा सेफ्टी आपको रखना चाहिए ओके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नया टॉपिक को लेकर के ओके, बाय।